स्टार्ट करते हैं थर्ड पेपर के एक्सप्लेनेशन को। थर्ड जैसे पहला प्रश्न है, देखिए ये जो राजस्थान के कल्चर के पार्ट है, इसमें आर्किटेक्चर है, म्यूजिक है, पेंटिंग है, तो इससे क्वेश्चन, इनकी दो तीन ऑथेंटिक जो अच्छी किताबें आती है, जयसिंह नीरज की किताब आती है राजस्थान की सांस्कृतिक परंपरा, वो सबसे बढ़िया किताब मानी जाती है। फिर गोपीनाथ शर्मा की किताब आती है, हुकुमचंद जैन वगैरह इन लोगों ने किताब लिखी, बाद में लिखी, ठीक ठाक किताब, लेकिन जो वो किताबें जो है काफ़ी प्रामाणिक मानी जाती है। इंग्लिश में एज सच कोई भी ऐसा मटेरियल अवेलेबल नहीं है, लेकिन हम आपको अवेलेबल कराएंगे जैसे हमारे वीडियोज आगे आएंगे। तो अभी तो आप इन्हीं के जो इंग्लिश के जो वर्जन है उन्हीं को आप रिवाइज कीजिए। पहला क्वेश्चन जो है दुर्ग के ऊपर है शुक्र नीति सार में, कि इसमें कौन सा जो है, अब शुक्र जो है वो पहले टाइम के जो राजित्व से संबंधित जितने भी नीतिकार रहे हैं, चाहे वो चाणक्य रहा हो, चाहे शुक्र जिसने नीतिसार लिखा वो रहा हो, कामंदक ने नीतिसार लिखा वो रहा हो, तो उन सब ने बताया कि राजनीति में कौन सी चीज़ें अच्छी होती कौन सी बुरी। तो दुर्गों का अलग अलग उसने क्लासिफिकेशन किया है कि कोई कौन सा धानवन दुर्ग होगा, कौन सा पारित दुर्ग होगा, कौन सा औदक जल दुर्ग होगा, चाणक्य ने भी करे हैं, उनमें कौन सी इंपॉर्टेंट, और दुर्ग को जो है राज्य के अंग में बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि पहले का जो मध्यकाल का जो समय माना जाता है और इवन प्राचीन भारत में भी, कि दुर्ग से पता चलेगा कि राज्य यानी स्टेट यानी सरकार कितनी स्ट्रांग है। तो कैटेगरी करिए इसमें, इसका उत्तर बी होगा, एक और दो। तीसरा जो है ये जो है शुक्र नीतिसार ने, नीतिकार ने जल दुर्ग को, उसने माना कोई भी दुर्ग श्रेष्ठ नहीं होता, उसके अंदर लोग कैसे हैं उससे पता चलता है वो कितना श्रेष्ठ है, तो सैन्य दुर्ग को वो श्रेष्ठ मानता है, इसलिए उत्तर आपका बी होगा। सेकेंड अगेन आपको मैच करने के लिए दिया गया कि धानवन दुर्ग क्या होता है, पारित दुर्ग क्या होता है, एरन दुर्ग क्या होता है, ये नाम से आपको पता चल रहा है उससे आप जो है इसको मैच कर सकते हो। तो इसमें धानवन दुर्ग है वो सोनारगढ़ है, क्योंकि वो मरुस्थल में आया हुआ है। पारित दुर्ग वो है जिसके चारों तरफ जो है वो खाइयाँ होती, तो भरतपुर का लोहागढ़ है। एरन दुर्ग जो है वो आपका जालौर का दुर्ग है, और औदक का जो है वो गागरौन यानी पानी से गिरा हुआ है। भैंसरोगढ़ और गागरौन दो औदक दुर्ग के उदाहरण माने जाते हैं, उत्तर डी हो जाएगा। तीसरा प्रश्न अगेन वो किले और उनको आपको मैच करना है, इसमें जैसलमेर के किले का नाम जो है वो सोनारगढ़ है, जालौर के किले का नाम जो है वो आपका सुवर्णगिरी है, भरतपुर के का नाम लोहागढ़ है, तारागढ़ का गढ़ बीठली है। चौथा प्रश्न अगेन इसको मैच करने का काम दिया गया कि इसको एक तरफ किले हैं दूसरी तरफ उनकी अवस्थिति के बारे में बताया गया, तो ये इजी क्वेश्चन है, इसको आप कर सकते हो, जो आपको आंसर मिला उसे आप मैच कर लीजिएगा। पांचवा प्रश्न जो है वो इनमें से कौन सा जल दुर्ग की श्रेणी में नहीं आता है, जल दुर्ग में आता है, जल दुर्ग से बाहर का मतलब एक्स्ट्रा जो वाटर फोर्ट कौन सा है, तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि मांडलगढ़, गागरौन और भैंसरोगढ़, जो ये तीन जो हैं वो और वेलोर, ये चार आपको ऑप्शन दिए हैं। इसमें जो वेलोर है वैसे राजस्थान में स्थित नहीं है, लेकिन फिर भी वेलोर, भैंसरोगढ़ और गागरौन पहले मैंने आपको बताया, मांडलगढ़ जो है वो वहाँ पे कोई भी नदी नहीं बहती, तो नदियों कॉन्फ्रेंस पे नहीं है वो। छठा क्वेश्चन, राजस्थान का एकमात्र किला जिस पर कभी भी बाह्य आक्रमण नहीं हुआ वो है जयगढ़ का किला। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के संदर्भ में चार कथन दिए गए हैं, इसमें हमें बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, पहला स्टेटमेंट चित्तौड़गढ़ दुर्ग के सात प्रवेश द्वार हैं, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। इसकी प्राचीर जो है वो सर्वाधिक 36 किलोमीटर तक फैली हुई। अब ये जो स्टेटमेंट है कि फैली हुई है, वो बेसिकली बताया गया है कि 36 किलोमीटर की जो प्राचीर है वो कुंभलगढ़ दुर्ग की है, चित्तौड़गढ़ के दुर्ग की नहीं है। फिर एक ये कि इसमें जौहर हुआ, तो पहला जौहर रंगदेवी ने किया था हमीर के समय में, वो रणथंबोर में हुआ था। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा आपका पहला स्टेटमेंट इसका सही है, दूसरा स्टेटमेंट जो है वो गंभीर और बेड़च के में हुआ, ये स्टेटमेंट सही है। चौथा और दूसरा स्टेटमेंट इसका गलत है, उत्तर हो जाएगा एक और तीन सी। अगेन अब इन किलों में मंदिर हैं, महल हैं, दरगाहें हैं, मज़ारे हैं, तो उनके ऊपर पूछा गया कि राजस्थान के जितने भी राजपूताना था, राजपूतों के दुर्ग थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि मुस्लिमों के साथ में उस तरह का व्यवहार किया जाता था कि धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं था। हर किले में आपको दरगाह या मज़ार मिलेगी, ये शो करता है कि उस समय की सोसाइटी में कॉन्जेनिलिटी थी। तो आठवां प्रश्न जो है वो मैच करने के लिए दिया गया, मीठे शाह की दरगाह जो है वो आपके गागरौन में है, भूरे खां की दरगाह जो है वो मेहरानगढ़ किले में है, संत मलिक शाह की दरगाह जो है वो जालौर किले में, मीरा साहिब की दरगाह जो है वो तारागढ़ के किले में। नवां प्रश्न गागरौन के किले के बारे में प्रश्न पूछा गया है कि कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इसमें जो जो आपका जो
पहला कथन है गागरोन दुर्ग औदक दुर्ग की श्रेणी में आता है, ये कथन सत्य है तो इसमें शामिल नहीं होगा। दूसरा ये कि ये काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर भी, ये भी ठीक है, तो ये इसके उत्तर में शामिल नहीं होंगे, हमको गलत छांटने इसमें। तीसरा और चौथा जो स्टेटमेंट है वो जो है हमें गौर से इसको अगर देखेंगे कि चौहान कुल जो है कल्पद्रुम के अनुसार देवल सिंह खींची ने इसके लिए को बीजल देव डोड को मारकर अपने अधिकार में लिया था और इसका नाम गागरोन दुर्ग रखा था, तो इसका जो तीसरा स्टेटमेंट जो है वो गलत है और गागरोन में तीन साके नहीं हुए, ये भी गलत है। तो तीसरा और चौथा उत्तर होगा सी, अलाउड इसमें नहीं है और सत्य है, मैं थोड़ा ध्यान से रखिए। वैसे यूपीएससी जो पेपर देता है उसमें करेक्ट और इनकरेक्ट बोल्ड में और कैपिटल में लिखता है ताकि क्लैरिटी रहे, कोशिश करेंगे हम उस तरह के दें, आरएस में उस तरह के फॉलो नहीं होता है। दसवां प्रश्न, अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया उसके बारे में कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण में निम्नलिखित में कौन से दुर्गों में जो है वो साके हुए, साके मतलब वीर गति से लड़ते हुए तो राजपूत योद्धा जो है वो समाप्त हुए, तो चित्तौड़गढ़, जैसलमेर और सिवाना तीन है, गागरोन नहीं है, तो उत्तर हो जाएगा इसका सी। ग्यारहवां प्रश्न, मंदिर स्थापत्य की गुर्जर, अब ये मंदिरों पे प्रश्न आने स्टार्ट हो गए, मंदिरों में मैंने आपको प्रतिहार का जो टॉपिक करवाया था हमारा जो इस पे जो लेक्चर था उसमें मैंने महामारू और गुर्जर प्रतिहार शैली के कुछ उदाहरण आपको बताए थे, बाकी कल्चर में हम इसको और डिटेल में देखेंगे। तो मंदिर स्थापत्य की गुर्जर प्रतिहार शैली अथवा महामारू शैली के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, तो कथन अगर सत्य की बात करेंगे तो पहला ही कथन जो है ये 11वीं से 13वीं सदी के मध्य भारत और राजस्थान में विकसित क्षेत्रीय शैली है। अब ये कथन जो है अपने आप में बहुत डाउटफुल है, डाउटफुल इन द सेंस कि गुर्जर प्रतिहार शैली जो है उसका विकास मारवाड़, इसको मारवाड़ शैली भी कहा जाता है, महामारू भी शैली कहा जाता है, ज़्यादातर राजस्थान में हुआ 8वीं शताब्दी से हुआ है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट इसका सही माना जाएगा। 12वां प्रश्न, राजस्थान में निम्नलिखित मंदिरों में से कौन सा गुर्जर प्रतिहार शैली का है, तो इसमें पहला है, दूसरा है जो ओसिया का सच्चिया माता मंदिर जो है वो गुर्जर प्रतिहार शैली का मंदिर है, इस पे जो है डाउट माना जाता है, क्योंकि ये मंदिर जो है इसका जो माना जाता है वो कि ये मारू गुर्जर शैली का है, ये गुर्जर प्रतिहार शैली का नहीं है, तो इसमें से ये एक्सक्लूड हो जाएगा। 13वां प्रश्न, राजस्थान में निम्नलिखित मंदिरों में से मंदिर महामारू शैली के कालक्रम है लेकिन महामारू शैली की मुख्य धारा से अलग है तथा इसमें शैलीगत भिन्नता नजर आती है, तो दो मंदिर हैं जो अलग माने जाते हैं, बाड़ोली के और नागदा के सहस्रबाहू के, इसको सहस्रबाहू का मंदिर कहा जाता है, बाकी इसका तो उत्तर हो जाएगा ए। 14वां प्रश्न जो है जो मंदिर और प्लेसेस को आपको मैच करना है, तो इसमें नकटी माता जो है भवानीपुर जयपुर में है और दधी माता गोठ मांगलोद में है, मगर मंडी जो है वो आपके निमाज में है और जीर्ण माता जो है वो आपके सीकर में है। 15वां प्रश्न, इसमें हमको मैच करना है कि कौन सा मैच नहीं है, चार मैच में से तीन मैच है, एक मैच नहीं है, तो किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर जोधपुर में नहीं है, ये बेसिकली किराड़ू के मंदिर बाड़मेर में है। 16वां, अगेन राजस्थान में मंदिर स्थापत्य में सोलंकी या मारू गुर्जर शैली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, तो अब इसके कथन में अगर सत्य की बात करेंगे तो पहला कथन सत्य है कि इसे जो है 11वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य बने हैं, फिर इसे सोलंकी या मारू गुर्जर शैली कहा जाता है, गुर्जर प्रतिहार इससे पहले है। दूसरा ये है कि ये क्योंकि देखो चालुक्यों का शासन जो है गुर्जर प्रतिहारों के डिमाइज के बाद में स्टार्ट होता है, जब गुर्जर प्रतिहार थे दक्कन में राष्ट्रकूट थे पूर्व में पाल थे, तो तीन ही बड़ी शक्तियां होती थी, इनका डिमाइज हुआ फिर चालुक्यों का समय स्टार्ट होता है, चौहानों का समय स्टार्ट होता है, परमारों का समय स्टार्ट होता है, ये बाद की शैलियां हैं। तो पहला स्टेटमेंट इसका सही है, दूसरा इसमें शिल्प में विशाल भव्य अलंकृत मंदिरों का निर्माण हुआ, ऐसे जनरल स्टेटमेंट हमेशा सही होते हैं, मान लिया करो उसको। अब जो है जो तीसरा जो स्टेटमेंट है कि इस शैली के द्वार विशाल खंबे चौकोर और अलंकृत है, ये जो है वो स्टेटमेंट जो है वो डाउटफुल है। इस शैली के द्वार सजावटी खंबे अपेक्षाकृत पतले हैं, लंबे नहीं हैं और गोलाई प्रधान एवं खूब सजावटी हैं, तो चौकोर नहीं है गोल हैं, चौड़े नहीं हैं पतले हैं, तो ये फर्क आ जाएगा। तो 16वें में जो लास्ट वाला स्टेटमेंट है वो गलत है। 17वां प्रश्न, अगेन सोलंकी मारू गुर्जर शैली के बारे में कि इसमें से कौन सा मंदिर जो है इस शैली का है,
मतलब कौन सा इसमें जो ऑड है उसको बाहर निकालना है। तो ओशिया का सच्चिया माता है, चित्तौड़गढ़ का समदेश्वर है, आबू का चंद्रावती है, किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर नहीं है, वो परमारों का है। तो ये हो जाएगा उत्तर आपका बी। 18वां, पंचायतन शैली के ऊपर प्रश्न पूछा गया है। पंचायतन शैली गुप्त काल में स्टार्ट हुआ था, देवगढ़ का दशावतार मंदिर पहला उसका उदाहरण माना जाता है। मुख्य मंदिर जो है वो बीच में होता है, चार अलग अलग जो छोटे देवताओं के मंदिर होते हैं। पंचायतन शैली भी है पूजा की, जो शंकराचार्य ने प्रारंभ की थी, तो उससे थोड़ा सा अलग है, इतर हो जाता है। ये मंदिर की शैली है। तो कौन सा जो है इसमें शामिल होगा पंचायतन शैली में, तो इसमें ये चारों मंदिर जो हैं वो पंचायतन शैली के मंदिर हैं। 19वां प्रश्न, मंदिर स्थापत्य निर्माण में कौन सा कथन सही है। मंदिर स्थापत्य निर्माण में निर्माण की भूमि शैली नागर शैली की उपशैली है। नागर शैली जिसमें रेखीय शिखर होते थे, उत्तर भारत में खासकर विंध्याचल के उत्तर में मिलते हैं, गर्भगृह उसके ऊपर रेखीय शिखर बने हुए हैं और परकोटे बनते हैं, उनका एक फिक्स मंडप रहेंगे, उसमें चौकियाँ रहेगी। खजुराहो के मंदिर हो गए, ओसिया के मंदिर हो गए, आपके इस उड़ीसा के मंदिर हो गए, ये नागर शैली के मंदिर है। इसमें कई उपशैलियाँ भी है, तो भूमि शैली इसकी उपशैली है, राइट स्टेटमेंट है। सेकंड जो है, राजस्थान में भूमि शैली 7वीं से 8वीं शताब्दी में। अब ये जो है कि भूमि शैली जो है वो बाद की है, भूमि शैली जो है वो इस समय तो गुर्जर प्रतिहार शैली है, तो ये 11वीं शताब्दी के बाद के मंदिर है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। इसमें मैं एग्जैक्ट आपको बता देता हूँ, भूमि शैली का टाइम बता देता हूँ आपको। भूमि शैली के मंदिर 11वीं शताब्दी के मंदिर है, और भूमि शैली का सबसे पुराना जो मंदिर है वो सेवाड़ी का जैन मंदिर है, जो पाली के पास में सेवाड़ी वहाँ पे। तीसरा, राजस्थान में भूमि शैली का, वो तो ठीक आ गया। तो पहला जो है स्टेटमेंट सही है, तीसरा स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। 20वां प्रश्न, अगेन भूमि शैली, इसमें से कौन से भूमि शैली का मंदिर है। चारों के चारों मंदिर भूमि शैली के। मध्यकालीन राजस्थान में सर्वाधिक सूर्य मंदिर, सूर्य प्रतिमाएं, सन वर्शिप बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता था राजस्थान की आर्ट और उस कल्चर में। तो उसमें अगर देखें तो सबसे पुराना जो है वो सूर्य मंदिर, सूर्य प्रतिमाएं सिरोही में मिलती हैं। 22वां प्रश्न, एक तरफ क्षत्रिय है, दूसरी तरफ उनकी अवस्थिति सेनोटॉफ है, उनको आपको मैच करना है। तो अगर इसमें मैच करेंगे तो बंजारे की छत्री जो है वो आपके लालसोट में ही है, गोपाल सिंह की छत्री जो है वो आपकी करौली में है, राम गोपाल पोदार की जो है सेठ जी उनका रामगढ़ में है, और ईश्वर सिंह की जो है वो गैटोर में है। उत्तर हो जाएगा डी। राजस्थान में सबसे प्राचीन समयांकित मंदिर कौन सा है। शीतलेश्वर महादेव झालरापाटन में जो मंदिर है वो सबसे पुराना माना जाता है, जिसकी डेट लिखी हुई है, ठीक है, तो सबसे पुराना माना जाता है ये। 24वां, एक तरफ महल है, दूसरी तरफ उनकी अवस्थिति है, ये हमें मैच करना है। तो चोखले महल जो है वो जोधपुर में स्थित है, हवा महल जो है वो आपके नाहरगढ़ किले के पास में है, सुपारी महल जो है वो आपका रणथंबोर में है, कटारगढ़ आपको पता ही कुंभलगढ़ में। 25वां प्रश्न, सुमेलित करना है कि इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित हैं। तो इसमें आपके हमीदुद्दीन नागौरी की दरगाह नागौर में, अजमेर में नहीं है, तो ये आपका मिसमैच हो जाएगा, बी उत्तर हो जाएगा। 26वां प्रश्न, एक तरफ छत्री स्थापत्य, दूसरी तरफ उनकी अवस्थिति है, आर्किटेक्चर से रिलेटेड ऑलमोस्ट हम सारे कवर कर लेंगे इसमें, आपका बस मोटा मोटी यही प्रश्न बनते हैं। अगर इतने भी आप याद करके जाओगे तो बहुत सफिशिएंट है, खास करके जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं उनको जो मटेरियल नहीं मिलता, आप केवल यही चीज़ें इसके एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन ढंग से दो चार बार देख के जाएंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा प्रश्न क्या बनने वाले हैं। 26वां प्रश्न बहरहाल बात करते हैं, तो इसमें भी आपको मैच करना है। इसमें अगर मैच अगर देखेंगे तो ब्राह्मण देवता की मंडोर में है, मामा भांजा की जोधपुर में है, कुंवर पृथ्वीराज की कुंभलगढ़ में है, मूसी रानी की अलवर में। 27वां प्रश्न, त्रैलोक के दीपक मंदिर कौन से मंदिर को जो है वो कहा जाता है। रणकपुर के जैन मंदिर को। रणकपुर के जैन मंदिर, जैन मंदिरों पे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं आरएस के अंदर, प्री और मेंस दोनों में। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा कथन सत्य है जैन मंदिरों के बारे में, तो इसमें दूसरा, तीसरा और चौथा स्टेटमेंट बिल्कुल जो है वो ठीक है। रणकपुर के जैन मंदिर राजस्थान के बाड़मेर में है, तो देख सी पता चलता है, रणकपुर जो है पाली उदयपुर के बॉर्डर पे पाली जिले के अंदर आता है। 29वां, सूची मैच करनी है आपको, एक तरफ मंदिर है उनकी स्थापत्य शैली है, इसको मैच करना है, तो इसमें ये मैच ही हैं पूरे। इसमें अगर देखोगे डूंगरगढ़ जिले का सोमनाथ कच्छपघाट शैली है, रणकपुर का भूमि शैली है, आबू के चंद्रावती मंदिर सोलंकी मारू गुर्जर शैली है, और गोट मांगलो जो है गुर्जर प्रतिहार महामारू शैली। 30वां प्रश्न जो है वो जल स्थापत्य है, हमारे कोर्स में दिया हुआ जल स्थापत्य बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले टाइम में राजस्थान में वाटर का जो वाटर की स्कैरसिटी बहुत बड़ा चैलेंज था राजाओं के लिए और जनता दोनों के लिए,
तो उसके लिए अलग अलग प्रकार के बावड़ियाँ, कुएँ, नाडियाँ वो बनाते थे, तो उस पर प्रश्न ये बनाया गया है। तो इसमें अगर आप देखोगे तो आबानेरी की चांद बावड़ी दौसा में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आ सकता है। ये त्रिमुख बावड़ी उदयपुर में है, फिर जो है आपके नौलखा बावड़ी डूंगरपुर में है, और रानी जी की बावड़ी जो है वो आपके बूंदी में है। तो 31वां प्रश्न अब चित्रकला से संबंधित, चित्रकला में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि मारवाड़ है। अब ये पहला स्टेटमेंट जो है वो गड़बड़ है। राजस्थान जो है राजपूतानी शैली की, जो जिनको सबसे पहले जो नाम दिया है वो आनंद कुमार स्वामी, श्रीलंका के वो आर्ट हिस्टोरियन हुए हैं, कला मर्मज्ञ, कला इतिहासकार आनंद कुमार स्वामी ने राजपूत पेंटिंग्स किताब लिखी, और वो बताते हैं कि सबसे पहले जो है मेवाड़ जो है वो जननी मानी गई है इस चित्र शैली की। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा तीसरा स्टेटमेंट ठीक है। 32वां प्रश्न मैंने आपको बताया, आनंद कुमार स्वामी श्रीलंका के हैं, राजपूत पेंटिंग किताब लिखी, क्लासिकल बुक मानी जाती है, और वो बोलते हैं मिनिएचर पेंटिंग है, मुगल पेंटिंग से थोड़ी बहुत प्रभावित है, कुछ लोकल इनमें वो आगे देखेंगे। 33वां प्रश्न, चित्रित ग्रंथों के अनुसार प्राचीनतम से नवीनतम में, मतलब क्रोनोलॉजिकल हमको इसको सेट करना है। तो इसमें सबसे पुराना जो अगर देखा जाएगा तो औद्य निरुक्ति वृत्ति, ये उसके बाद में आपके सुपासनाचर्यम, उसके बाद में आपके निसारुद्दीन की रागमाला है, और फिर साहिबुद्दीन की भागवत पुराण। राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में सुरक्षित प्रसिद्ध कृति ढोला मारू के मेवाड़ के किस कार्यकाल की महाराणा प्रताप के समय की? राजस्थानी चित्रकला की मेवाड़ शैली में निम्न कौन से कथन सत्य नहीं है? जो सत्य नहीं है वो हमें निकालना है। तो तीसरा जो स्टेटमेंट है वो गलत है 35वें प्रश्न का, जिसमें इसका जो सही उत्तर जो है वो माना जाएगा। जगत सिंह फर्स्ट ने चित्रों की ओवरी या तस्वीरों का कारखाना खोला था, तो सी जो स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा, सूरत खाना नहीं था वो। 36वां प्रश्न, अगेन मेवाड़ शैली के चित्रकार और उनकी कृतियाँ, ये हमें मैच करनी है। तो निसारुद्दीन ने रागमाला लिखी है, मनोहर ने रामायण, साहिबुद्दीन ने भागवत पुराण, और हीरानंद ने सुपासनाचर्यम, उत्तर हो जाएगा ए। 37वां प्रश्न, राजस्थानी चित्रकला की निम्नलिखित उपशैलियों में से कौन सी उपशैली मेवाड़ उपशैली से संबंधित है? तो इसमें देवगढ़ आ जाएगा आपके, और चावंड आ जाएगा, उनियारा और दुगारी नहीं, तो उत्तर हो जाएगा सी। फिर देवगढ़ शैली के बारे में पूछा गया है कि इसमें कौन से कथन सत्य हैं, तीनों कथन इसके सत्य हैं। 39वां जो प्रश्न है, बड़ौदा म्यूजियम में उत्तराध्ययन सूत्र मारवाड़ के शासक के समय में जिसमें का चित्रण हुआ था, मैंने आपको हिस्ट्री पढ़ाई जब बताया था, उत्तराध्ययन सूत्र का जो जैनों का अपभ्रंश भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ, उसका चित्रण मारवाड़ के शासक मालदेव के समय हुआ था। राजस्थानी चित्रकला की मारवाड़ शैली में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें जो कथन सत्य है, पहला और दूसरा कथन जो है वो सत्य माना जाता है, तीसरा जो है वो नाथ का जो है, नाथों का प्रभाव जो है हमें मानसिंह द्वितीय के समय देखने को मिलता है, तो ये तीसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। फिर बीकानेर चित्र शैली की अगर बात करें तो इसमें कौन सा कथन सत्य है? तो चारों कथन जो है इसके सत्य है, ये आपके नॉलेज अपडेशन के लिए। 42वां प्रश्न, सूची ए सूची बी इनको मैच करना है, एक तो उपशैली है फिर इनके चित्रित ग्रंथ हैं। तो जैसलमेर शैली में मूमल चित्रित मिलेगी आपको, बूंदी शैली में आपको रसराज पर आधारित चित्र मिलेंगे, किशनगढ़ शैली में आपको बणीठड़ी मिलेगी, और जयपुर में आपको यशोधर चरित्र का चित्र मिलेगा, उत्तर हो जाएगा ए। 43वां प्रश्न, अगेन मैच करने के लिए, एक तरफ राजस्थानी उपशैली है, दूसरा उनके चित्रित ग्रंथ हैं। तो इसमें मारवाड़ शैली नाचचरित, मेवाड़ शैली शावक प्रतिक्रमण, किशनगढ़ शैली नागर समुचय, और जयपुर शैली आदि पुराण, उत्तर डी। किशनगढ़ शैली से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया है कि कौन सा कथन सत्य नहीं, तीन कथन सत्य है, चौथा कथन जो है कि जो नानक राम के बारे में दिया गया है वो कथन सही नहीं है। किशनगढ़ शैली में शिकार के चित्रों को चित्रित नहीं किया गया था, हालांकि नानक राम किशनगढ़ शैली के चित्रकार हैं, तो आधा कथन गलत होने से ये इससे बाहर हो जाएगा। 45वां प्रश्न, मारवाड़ शैली की उपशैली अजमेर शैली की लघु चित्र शैली महिला चित्रकार का नाम, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया, इसका उत्तर है साहिबा। अलवर शैली के उन्नयन में महाराज विनय सिंह का महत्वपूर्ण योगदान है, विनय सिंह ने महात्मा शेख सादी द्वारा रचित गुलिस्तां का चित्रण किस चित्रकार से करवाया था? बलदेव गुलाम अली से, उत्तर बी फॉर बॉम्बे। फिर कौन सा सुमेलित नहीं है, 47वां प्रश्न, एक तरफ शैलियां दूसरी तरफ चित्रकार हैं,
तो सभी मैच करती है, एक मैच नहीं करती जयपुर शैली में साहिबदीन नानक राम साहिब राम, ये नहीं है। ठीक है, तो ये सी उत्तर हो जाएगा। 48वां अगेन कौन सा सुमेलित नहीं है, तीन सुमेलित हैं एक नहीं है, मारवाड़ शैली में रसराज नहीं है। 49th में चित्त शैली में उपशैली में कौन सी पर मुगल प्रभाव नहीं देखने को मिलता है, जैसलमेर की शैली, क्योंकि बहुत दूर था, उनका कोई संबंध था ही नहीं मुगलों से। किशनगढ़ वहाँ जैन शैली का प्रभाव है। किशनगढ़ शैली से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो जो सही है उसके अलावा हमें चाटने, जो दो स्टेटमेंट है वो सही नहीं है। एक तो ये कि किशनगढ़ शैली में बनी ठंडी कर्नल टॉड को भारत की मोनालिसा कहा है, और 1943 में इस पर टिकट जारी किया गया है, ये दोनों स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है। दरअसल इसमें एरिक डिंकिंसन ने बनी ठंडी को मोनालिसा कहा है, कर्नल टॉड ने नहीं कहा है, और ये जो इस पर टिकट जारी हुआ था 1973 में जारी हुआ था, ना कि 1943 में। फिर उनियारा शैली के बारे में पूछा गया है कि कौन सा चित्रकार, इनमें कौन कौन से चित्रकार उनियारा शैली के हैं, तो उत्तर हो जाएगा चारों के चारों, अगेन चित्रकार और उनके चित्रित ग्रंथ। अब देखो चित्रकला आर्किटेक्चर में इतने आस्पेक्ट हमने टच कर लिए कि अब नहीं जाएगा सवाल इससे बाहर, और फिर जाएगा तो फिर जाएगा, फिर वो 20% सवाल छोड़ दीजिए, हमें उसके पीछे नहीं घूमना है। चित्रकार और चित्रित ग्रंथों को मैच करना है कि आपस में इनका कॉलम मैच करने के लिए आप देखेंगे, तो सबसे पहले डालू जो है वो रागमाला, बलदेव राम व गुलाम अली जो है वो आपके गुलिस्तां, मोरध्वज निहाल चंद जो है वो आपके नागर समुचय किशनगढ़ शैली में, और हीरानंद जो है सुपासन चरी, उत्तर बी। राजस्थान की चित्रकला की मारवाड़ शैली की उपशैली बीकानेर शैली पर निम्नलिखित में से कौन सी शैलियों का प्रभाव देखा गया है। अब चूंकि बीकानेर के राजा बहुत ज़्यादा दक्कन में रहे थे, तो इसमें आपके दक्कनी का है, मुगली का, पंजाब का, पंजाब उधर टच कर जाता है, राजा दक्कन वगैरह, दक्कन का रहा, मुगलों का तो था ही, तो हाड़ोती का नहीं है, तो इसमें उत्तर हो जाएगा सी। राजस्थानी चित्रकला की जयपुर शैली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, तो इसमें तीनों कथन सत्य हैं। राजस्थानी चित्रकला शैली में मुगल शैली के प्रभाव, मुगलई शैली के प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो चौथा कथन ही गलत है, दिखने में लग रहा है मुगल शैली, मेवाड़ शैली मुगल शैली से अप्रभावित रही है, ऐसा नहीं, हालांकि संबंध शुरू में खराब थे लेकिन करण सिंह के समय आते बहुत बेहतर हो गए, तो उनका प्रभाव था। उसके बाद में 56वां प्रश्न, एक तरफ राजा हैं, एक तरफ उनके आश्रित या पैटर्नाइज जो उनके पेंटर्स हैं, तो इसमें सवाई ईश्वरी के पास में साहिब राम था, महाराजा राज सिंह के पास में निहाल चंद था, महाराजा अनूप सिंह के पास में रुकनुद्दीन था, महाराजा अमर सिंह के पास में निसारुद्दीन था। तो ये 57वां प्रश्न, महाराजा जयपुर महाराजा सवाई राम सिंह द्वारा राजस्थानी कलाकारों को यूरोपीय कला तकनीक में प्रशिक्षित उद्देश्य से खोले गए कला विद्यालय का नाम बताइए, हुनरी मदरसा। राजस्थान ललित कला अकादमी का प्रथम कलाविद सम्मान किसे दिया गया, राम गोपाल विजय वर्गीय, जो आधुनिक राजस्थानी आधुनिक चित्रकला के प्रणेता माने जाते हैं। कला क्षेत्र में मतलब आर्ट्स के अंदर, पेंटिंग के अंदर जयसिंह नीरज की किताब के पीछे जो पेज होते हैं उससे एज इट इज क्वेश्चन आते हैं, जो फोटोज दिए उनमें से पूछ लेते हैं, तो वो बहुत बड़े मर्मज्ञ हैं, उसी से ये प्रश्न ज़्यादातर बनाए गए हैं। 58वां प्रश्न, कला क्षेत्र में बाबा के नाम से प्रसिद्ध गोवर्धन लाल जोशी में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है, वो हमें छांटना है, तो इसमें केवल पहला कथन जो है कि भीलों के दैनिक जीवन के कारण उनको भीलों का चितेरा कहा गया है, ये कथन इनका सही माना जाएगा। इसके अलावा जो है वो दो और तीन जो कथन हैं वो गलत हैं इसके। 60वां प्रश्न, कृपाल सिंह शेखावत अगेन उसके बारे में प्रश्न पूछे गए हैं, तो इसमें इनके बारे में कौन सा कथन सत्य है, दो कथन सत्य हैं, तीसरा कथन जो है वो कृपाल सिंह शेखावत की कला को शेखावाटी कला कहते हैं, ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है। तीसरी शताब्दी में शिव पार्वती की मूर्ति, अब मूर्ति कला के जो प्रश्न है उसमें गोल शीशा हाथ में लिए राजस्थानी लहंगा दिखाया गया, पुरातत्व स्थल से मिलती है, रंग महल से मिलती है, उत्तर ए। ब्लू पॉटरी के बारे में कौन सा कथन सत्य है, तो इसमें पहला कथन गलत है और दूसरा और तीसरा कथन जो है इसमें सही माना जाएगा। पहले कथन में जो है वो ब्लू पॉटरी सवाई जयसिंह के समय में आगरा व दिल्ली से जयपुर लाई गई थी, तो फिर बयाना से चूड़ामल कालूराम जयपुर आए, जयपुर में ब्लू पॉटरी के निर्माण का श्रेय महाराजा राम सिंह को है, जिन्होंने चूड़ामल और कालू कुमार को प्रशिक्षित करने के लिए फिर दिल्ली भी भेजा था। फट चित्रण जो है, अब उस पर प्रश्न है कि इसमें कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो इसमें गलत वाले स्टेटमेंट हमें छांटने हैं, तो दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट गलत है,
वो बाहर हो जाएगा इसमें। फिर लोक कलाओं में कौन सी कला लोक कला का अनुपम चित्रण मानी जाती है, इसमें इसमें बाटिक है, पाना है और सांझी है, बेवाण नहीं है। फिर पाबूजी की फड़, ये भी लोक चित्रण का एक प्रकार है। लोक चित्रण में अलग अलग प्रकार के चित्र हैं, फर्श पे भी चित्र बनाए जाते हैं, आंगन पे चित्र, छत पे चित्र, दीवारों पे चित्र, बॉडी पे चित्र, पत्थरों पर चित्र, धातु पर चित्र, शीशे पर चित्र, चमड़े पे चित्र, लकड़ी पे चित्र, अलग अलग प्रकार देखेंगे आप। तो चित्रण की शैलियाँ हैं। तो पाबूजी की फड़ के बारे में, हालांकि चित्र शैली से नहीं, ये कल्चर से आ जाएगा, फड़ वाचन जिसको कहा जाता है। फड़ वाचन एक स्टोरी रिसिटेशन तरह से है, एक तरह से। तो इसमें कौन सा कथन सत्य है, तो केवल इसमें आपके दूसरा और तीसरा कथन सत्य है, पहला जो है वो कथन सत्य। अच्छा, एक इसमें मैं आपको बताना भूल गया, एक जो प्रश्न है 60वां जो प्रश्न है वो थोड़ा सा इसमें एक कन्फ्यूज़न ये हो गया था कि इसका जो उत्तर जो है वो बी होगा, मैं आपको गलती से बता गया था। कृपाल सिंह शेखावत की कला पर भारतीय शैली के साथ साथ मुख्य रूप से जापानी शैली का भी प्रभाव था। कृपाल सिंह शेखावत की कला उनके नाम से जानी जाती है, शेखावटी के नाम से नहीं जानी जाती। तो इसका उत्तर जो है वो बी होगा, 60 का आप ठीक कर लेना, की में एक गलत दे दिया था, तो छोटी मोटी गलतियां हो जाती है, उसको आप देख लीजिएगा। फट चित्रण हो गया, अभी हम बाटिक तक। 65वां प्रश्न, 65वें प्रश्न का उत्तर जो है वो आपका पहला स्टेटमेंट जो है इसका गलत है। तो पहला स्टेटमेंट जो है बेसिकली, एक मिनट, पाबूजी की फड़ का नायक की फड़ नायक या आईडी जाति के भोपे वाँचते हैं, तो ये सही गलत हो जाएगा इसलिए। फिर देवनारायण जी की फड़ के बारे में पूछा गया है कि कौन सा कथन सत्य है, तो इसमें गुर्जर जाति के भोपों द्वारा रावण था, ये स्टेटमेंट ठीक है, 1992 में डाक टिकट जारी किया गया था, ये सबसे ठीक है। बाकी जो है वो पहला और तीसरा स्टेटमेंट, इसमें एक कन्फ्यूजन है, इसमें जो स्टेटमेंट दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट गलत है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है और तीसरा स्टेटमेंट गलत है। सबसे लंबी फड़ है बिल्कुल ठीक है चौथा, तो उसका उत्तर बेसिकली 1 और 4 होना चाहिए, तो इसको मैं थोड़ा इसको ठीक करवा देंगे, इसमें आपको थोड़ा बोनस वाला रहेगा, छोटा मोटा एरर हो गया। अच्छा, फिर 67 प्रश्न जो है वो, ये किस फड़ का वाचन दिन में होता है, तो ये कई बार पूछा गया प्रश्न है, रामदला कृष्णदला की फड़ का। फिर मैच करना फड़ और उनके कलाकार कौन कौन से हैं, तो इसमें अगर देखा जाए तो मतलब फड़ या बाकी कलाओं के से संबंधित जो जो कलाकार इसमें पूछे गए हैं, तो फड़ से संबंधित प्रदीप मुखर्जी है, और बाटिक से संबंधित उमेश चंद शर्मा है, थेवा से संबंधित गिरीश कुमार है, और ब्लू पॉटरी से संबंधित नाथीबाई है, अभी मॉडर्न कलाकार हैं। थेवा कला जो है काफ़ी फेमस है, उस थेवा कला में तीनों स्टेटमेंट सही हैं, बेल्जियम के कांच पे चित्रकारी की जाती है सोने की, और उसकी राजा सावन सिंह का था, इनका प्रभाव था, और सोनी परिवार तक सीमित है, किसी को देते नहीं इनका, एक तरह से वो प्रोप्राइटरी नहीं किए। 70वां प्रश्न हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड समझ लीजिए आप, इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है, पहला दूसरा तीसरा सुमेलित है, चौथा जो है कुट्टी या पेपर मिशी का जो काम है वो बाड़मेर में नहीं होता है, जयपुर में होता है, तो ये स्टेटमेंट जो है आपका गलत हो जाए। 71वां प्रश्न जो है कथन दिया जाएगा, अकबर के काल में शासन काल में राजस्थान में शिल्प कला का उत्कर्ष देखा गया, कारण दिया गया है कि मुगल राजपूतों में घनिष्ठता थी, राजनीतिक स्थायित्व था, और ये था, तो 71वें का जो उत्तर है वो आपके होगा ए उत्तर होगा, कथन भी सही है, कारण भी ठीक है, और कारण उसको जस्टिफाई भी करता है। 72वां प्रश्न, इसमें एक तरफ प्रोडक्ट दिया हुआ, दूसरी तरफ उस जगह को दिया गया हैंडीक्राफ्ट के, उनको आपस में मैच करना है, तो ऊना चमका या घूगी जो है मालपुरा का फेमस है, मसूरिया जो कैथून कोटा में है, और टेराकोटा टोंक में, उंदी नमदे सालावास जोधपुर में, जोधपुर के पास में। 73वां प्रश्न, लोक कला उनके स्थान, इनको आपस में मैच करना है, तो इसमें रमकड़ा जो है गलियाकोट हो जाएगा, मोठड़े जो है वो भीलवाड़ा हो जाएगा, नांदड़े जो हैं वो आपके मोठड़े जो हैं वो आपके जोधपुर हो जाएंगे, नांदड़े भीलवाड़ा हो जाएगा, और तारकशी जो है वो आपका तारकशी का हो जाएगा आपका दो, नहीं नहीं एक बार मैं इसको थोड़ा ठीक से वापस बता देता हूँ आपको, इसमें गलियाकोट का रमकड़ा उद्योग तो फेमस है ये, तो रमकड़ा
ए इक्वल टू टू हो जाएगा, मोठड़े जो है वो जोधपुर के हो जाएंगे, फोर हो जाएगा, उसके बाद में नांदड़े भीलवाड़ा और तारकशी जोधपुर। ठीक, 74वां प्रश्न, प्रसिद्ध उत्पादक क्षेत्र शिल्प, ये भी सेम हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड है, तो इसमें टांकला जो है, टांकला स्थान जो है नागौर में, वो आपके फेमस है दरी पट्टियों के लिए। फिर उसके बाद मांगरोल जो है वो आपके मसूरिया साड़ी के लिए, जसोल जो है वो आपके जटपट्टी के लिए, और चक जो है वो सीकर में जो रेजी के लिए। फिर जो है हैंडीक्राफ्ट में, कपड़े का जो हैंडीक्राफ्ट है उसमें दाबू प्रिंट के बारे में प्रश्न पूछा गया है कि इसमें कौन सा कथन सत्य है, तो पहला कथन सत्य है, दूसरा कथन सत्य है। सवाई माधोपुर अकोला बालोतरा जो है ये मिट्टी का दाबू लगाया जाता है, ये 75वां नंबर में जो लास्ट स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है, क्योंकि सवाई माधोपुर में मोम का, बालोतरा में मिट्टी का दाबू लगाया जाता है, सांगानेर बगरू में गेहूं के बीजों का प्रयोग किया जाता है, तो वो आपके स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। 76वां प्रश्न, मैच करना है आपको एक तरफ संगीत, अब संगीत स्टार्ट हो जाएगा हैंडीक्राफ्ट के बाद, संगीत पहले आर्किटेक्चर, फिर पेंटिंग, फिर हैंडीक्राफ्ट, अब म्यूज़िक के ऊपर अगर देखेंगे तो म्यूज़िक में एक तरफ घराने दे रखे हैं, दूसरी तरफ जो है उनके प्रोमिनेंट पर्सन दे रखे हैं, इसमें सुमेलित करना है कौन सा मैच नहीं, तो गंगूबाई हंगल वाला जो है वो मैच नहीं कर रहा है, गंगूबाई हंगल जो है वो बेसिकली किराना घराने की है, तो ये मैच नहीं करेगा इसमें। शास्त्रीय गायन शैली में निम्नलिखित घरानों में ध्रुपद शैली का घराना कौन सा है, डागर घराना है। फिर मैच करना है शास्त्रीय शैली और उनके प्रवर्तक, उनके जो फाउंडर कौन माने जाते हैं, तो इसमें मैच अगर हम करेंगे तो डागर घराने का बहराम खां, जयपुर घराने का मनरंग खां, मेवाती घराने का गग्गी नज़ीर खान और किराना घराने का बंदे अली खान। 79th प्रश्न, शास्त्रीय शैली जयपुर घराने में कौन सा कथन सत्य है, तो इसमें दूसरा और तीसरा कथन जो है वो सत्य है, जयपुर घराना कथक शैली का नवीनतम घराना गलत है, इसका नवीनतम में जो है दो ही कथक के घराने माने जाते हैं उत्तर भारत में, लखनऊ और जयपुर, तो ये स्टेटमेंट जो है इसका गलत है, क्योंकि ये प्राचीनतम घराना है। राजस्थान में निम्नलिखित लोकगीतों में से कौन सा लोकगीत मरु प्रदेश के लोकगीत के रूप में जाना जाता है, वो है मूमल। 81st क्वेश्चन, मरु प्रदेश के लोकगीतों में कौन सा कथन सत्य है, पहला और तीसरा कथन सत्य है, गीतों के साथ मादल बजाई जाती है, ये वाला स्टेटमेंट जो है वो गलत है, क्योंकि ये जो है कि स्त्रियां व पुरुष सम्मिलित नृत्य नहीं करते हैं इसमें, ये पार्ट गलत है इसका, तो ये आउट हो जाएगा। 82nd क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस लोकगीत में वधू के घर की स्त्रियों द्वारा वर के बारात का डेरा देखने का, जो जहां पर उनका वेन्यू है उनको देखने का वर्णन किया जाता है, जल्ला। निम्नलिखित लोकगीतों में से कौन सा लोकगीत विरह का गीत है, सेपरेशन का गीत है, तो इसमें गुगरी नहीं है, बाकी तीनों जो है वो विरह के गीत हैं, उनके अलग अलग रस जो रहते हैं, सुमेलित कीजिए, एक तरफ लोकगीत है दूसरी तरफ क्षेत्र है, जो पीपली है शेखावाटी का है, लांगुरिया करौली का है, चिरमी मालवा का है, सुवटिया जो है वो आपके मेवाड़ का है, उत्तर हो जाएगा आपके, यानी इसको मैच ही करना है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है इसमें जो पंछीड़ा जो है वो विरह गीत नहीं है, पंछीड़ा गीत के अलावा बाकी जो है वो सुमेलित माने जाते हैं, पंछीड़ा जो है मेले के अवसर पर वीर रस का गीत माना जाता है आरती और डुंडाड में। अब 86th क्वेश्चन, एक तरफ मांड गायिकाएं हैं दूसरी तरफ उनके अलग अलग प्लेसेस हैं, तो अल्लाह जिला बाई जो है वो बीकानेर की है, मांगी बाई जो है वो उदयपुर की है, जमीला बानो जो है वो जोधपुर की है, बन्नो बेगम जो है वो जयपुर की है। 87th प्रश्न, निम्नलिखित जातियों में से कौन सी जातियाँ लोक संगीत की पेशेवर जातियाँ हैं, सारी की सारी जातियाँ हैं। 88th क्वेश्चन, मंगनियार जाति के बारे में कौन सा कथन सत्य है, तो इसमें जो थर्ड स्टेटमेंट है, बाड़मेर का बड़वना गांव इस जाति का मुख्य स्थान है, इनका एपिसेंटर है, ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, ये बड़वना गांव जो है वो लंगा जातियों का केंद्र है, मंगनियारों का नहीं, और लंगे जो है लंगा जो है उनके ज़्यादातर पैटर्न जो है वो मुस्लिम सामंत होते थे। फिर इंस्ट्रूमेंटल में अगर देखा जाए तो अलगोजा पर प्रश्न पूछा गया है कि इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है, तो चौथा जो स्टेटमेंट है अलगोजा के बारे में, ये स्टेटमेंट सही नहीं है, क्योंकि मांगनियार कमायचा व सुरनाई या खड़ताल का प्रयोग करते हैं, अलगोजे का प्रयोग नहीं करते, तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा।
90th क्वेश्चन, 90वां प्रश्न, वाद्य यंत्र उनके प्रयोग करने वाली जातियां हैं। तो घुड़लियो जो है वो बेसिकली कालबेलिया यूज़ करते हैं, मादल जो है भील यूज़ करते हैं, कमायचा मंगनियार यूज़ करते हैं, मोरचंग जो है वो लंगा यूज़ करते हैं, मोरचंग लोहे का एक बना हुआ होता है। 91st क्वेश्चन, एक तरफ इंस्ट्रूमेंट है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, दूसरी तरफ उनको बजाने वाले भोपे हैं। तो राजस्थान के भोपों पर भी प्रश्न कई बार पूछा गया है, इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ये डेरू जो है वो रामदेव जी के भोपे जो हैं वो नहीं, ये गोगा जी के भोपे जो हैं डेरू को बांसते हैं, ठीक है, रामदेव जी के नहीं। इसके बाद में अगला जो है, इनमें से कौन सा जो है सुशीरवाद यानी विंड इंस्ट्रूमेंट जिनको हवा से बजाते हैं, तो इसमें चौथा जंतर नहीं है, वो तत्ववाद स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट गलत हो जाए। 93rd क्वेश्चन, रावण हत्ता अगेन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में पूछा गया है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो पहला और दूसरा कथन जो है वो सत्य नहीं है। 94 मैच करना है आपस में, तत्ववादियों में जो है कमायचा भपंग रबाब चिकारा आ जाएगा, अवनद वाले में चंग मादल कूडी माठा आ जाएगा, सुशीर वाले में आपके मोरचंग नड़ बांकिया सतारा आ जाएगा, और घन वाद्यों में आपके बाकी वाले ये रमजोल वगैरह ही आ जाएंगे। 95th क्वेश्चन, एक तरफ जो है इंस्ट्रूमेंट है, दूसरी तरफ उनके साथ में नृत्य हैं, कौन सा मैच नहीं करता, तो वालर के साथ में अलगोजा नहीं बजाया जाता है, क्योंकि वालर नृत्य में कोई भी प्रकार का इंस्ट्रूमेंट नहीं बजता है, विदाउट म्यूजिक इस पर डांस किया जाता है। निम्नलिखित वाद्य यंत्रों में से कौन सा तत्व वाद्य यंत्र है, तो इसमें आपके दूसरा और गुजरी और सुरिंदा जो है तत्ववाद्य है। 97 प्रश्न, कौन सा कथन सत्य नहीं है, चौथा स्टेटमेंट जो है मादल के साथ झांझ की संगत होती है, गबरी नृत्य वाला जो है ये प्रश्न जो है वो मादल के साथ झांझ की संगत नहीं होती है, ठीक है, गबरी नृत्य में मादल के साथ थाली बजाई जाती है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। 98 प्रश्न, कौन सा कथन सत्य है, तो थर्ड कथन जो है वो सत्य, नागफली पीतल की सर्पाकार नलियों जी पिछले हिस्से में छेद होता है। 99 क्वेश्चन, इसको आपस में मैच करना है, तो घुड़लिया घनवाद्य है, डेरू जो है वो अवनद वाद्य है, भूंगल जो है वो सुशीर वाद्य है, गोरजा जो है वो तत्ववाद्य है। 100वां प्रश्न, वाद्य यंत्रों में से कौन सा यंत्र घन वाद्य यंत्र नहीं है, तो इसमें बाकी सभी हैं, कुंडी जो है वो घन वाद्य यानी सॉलिड इंस्ट्रूमेंट नहीं माना जाता, ये अवनद वाद्य परकशन इंस्ट्रूमेंट है, जैसे ढोलक वोलक जो तबले टाइप होते हैं। राजस्थान में निम्नलिखित लोक नृत्यों में मात्र पुरुषों द्वारा किया जाने वाला कौन सा लोक नृत्य है, तो इसमें घुड़ले के अलावा बाकी तीनों जो है वो पुरुष नृत्य है। राजस्थान के निम्नलिखित लोक नृत्यों में से कौन सा नृत्य मात्र स्त्रियों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, दूसरा और तीसरा घुड़ला और चक्री जो है वो स्त्रियों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। अगेन लोक नृत्यों में से कौन सा लोक नृत्य स्त्री पुरुष दोनों साथ मिलकर प्रस्तुत किया जाता है, तो चक्री के अलावा बाकी तीनों पेश किए जाते हैं। भवाई नृत्य के बारे में प्रश्न पूछा गया है, कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है, तो ये जो मटके चित्रित होते हैं दीपक जलता है घुड़ला नृत्य है, तो ये गलत हो जाएगा। 105वां, एक तरफ जाति जनजाति दूसरी तरफ संबंधित नृत्य है, तो गरासिया वालर करते हैं, भील जो है वो गवरी या राई नृत्य करते हैं, कथोड़ी जो है वो आपके मावलिया नृत्य करते हैं, कालबेलिया जो है इंडोनी नृत्य करते हैं। फिर अगेन सुमेलित कीजिए, एक तरफ जातियाँ हैं दूसरी तरफ जो उनके नृत्य हैं, इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है, कथोड़ी जो है वो रतवई नाम का नृत्य करते हैं, ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है, ये मैच नहीं कर रहा है। तो इसका मैं उत्तर आपको बता देता हूँ, इसका उत्तर है गौर नृत्य गरासी जनजाति का है, भीलों का नहीं है, सॉरी रतवई जो है वो मेवों का नृत्य, कथोड़ी जाति का नहीं है। अगेन राजस्थान के निम्नलिखित लोक नृत्यों में से कौन सा लोग भील जाति द्वारा किया जाता है, तो पहला जो है गौर नृत्य ये इनके द्वारा नहीं किया जाता है, गौर नृत्य जो है वो बेसिकली किया जाता है गरासियों द्वारा। 108वां प्रश्न, निम्नलिखित लोक नृत्यों में से कौन सा लोक नृत्य गरासिया जनजाति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, सभी किए जाते हैं। राजस्थान के लोक नृत्यों में से कौन सा लोक नृत्य कालबेलिया जाति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, तो पहला तीसरा और चौथा नेजा जो है वो कालबेलियों का नृत्य नहीं माना जाता है, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। 110वां प्रश्न, कौन सा सुमेलित नहीं है, तो गुर्जर जाति के साथ चरी व होली का नृत्य इससे मैच नहीं करता है। फिर राजस्थान में लोक नाट्यों पर प्रश्न है, सबसे पहले लोक नाट्यों के प्रकार है, ख्याल है, रम्मत होते हैं, ठीक है, तो अलग अलग देखेंगे। तो कुचामनी ख्याल पे प्रश्न पूछा गया कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें सत्य है, तो इसमें पहला स्टेटमेंट सही है, तीसरा स्टेटमेंट सही है, चौथा स्टेटमेंट सही है, इसमें स्त्री पात्रों की भूमिका स्त्री निभाती नहीं, पुरुष निभाते हैं, तो ये गलत हो जाएगा।
तुर्रा कलंगी ख्याल के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन, ये थोड़ा कन्फ्यूज करने के लिए प्रश्न दिया गया है, तो इसमें दूसरा और चौथा स्टेटमेंट सही है, गलत है, हमको इसमें गलत छांटना है। दूसरा स्टेटमेंट है कि तुर्रा को महादेव शिव और कलंगी को पार्वती का प्रतीक माना जाता है, ये स्वैप कर दिया है, ठीक है। और चौथा स्टेटमेंट है कि खुले मंच पर उसकी सजावट मात्र फूलों से होती है, ये स्टेटमेंट भी इसका गलत है, फूलों से नहीं होती। तो इस पर मैं आपको एक बार डिटेल में बता देता हूँ, इसमें कुछ कन्फ्यूज़न है लोगों को, मुझे बताएगा। तुर्रा को महादेव शिव माना गया है, तुर्रा तुकनगिर कहा गया है अर्थात तुकनगिर महादेव शिव के पक्षकार हैं, जबकि कलंगी शाह अली को कहा गया अर्थात शाह अली पार्वती के पक्षकार है, अर्थात कथन दो गलत है। इसे खुले मंच पर प्रस्तुत किया जाता है, इसके लिए की साज सज्जा बहुत अच्छी तरह से की जाती है, तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है आपको ध्यान में रखना है। 113वां प्रश्न, इसको मैच करना है, इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है, अली बख्शी ख्याल जो है वो टोंक में बताया गया है, ये स्टेटमेंट आपका गलत है, अली बख्शी जो है अलवर का है। 114वां प्रश्न, एक तरफ ख्याल है दूसरी तरफ उनके प्रसिद्ध चित्रकार, में एक तरफ ख्याल एक तरफ लोक नाट्य, दूसरी तरफ उनके जो हैं वो प्रसिद्ध कलाकार है, आर्टिस्ट हैं जो प्रोमिनेंट, इसमें कुचामनी का है उगमराज, शेखावटी का है आपके दुलिया राणा, तुर्रा कलंगी जो है वो आपके आ जाएगा जयदयाल सोनी, और रम्मत का जो आ जाएगा वो तेज कवि। 115वां प्रश्न, कौन सा सुमेलित नहीं है, रम्मत जो है वो स्वतंत्र बावनी जो तेज कवि ने लिखी है वो सुमेलित है, सॉरी सुमेलित नहीं ना, तो वो बाकी सारे सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है, नौटंकी जो है जानकी लाल भांड जो है मंकी मैन है उससे जो है मैच किया गया है, तो वो स्टेटमेंट आपका गलत है, जानकी लाल भांड जो है बहरूपिया कला का वो माना जाता है। फिर अगेन रम्मत के बारे में बोला गया, कौन से कथन इसके सही हैं, तो दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट इसका सही है, पहला और चौथा स्टेटमेंट जो है इसका रम्मत के बारे में वो गलत है। तेज कवि ने जैसलमेर से प्रारंभ किया था, ठीक है, मुख्य वाद्य यंत्र नगाड़ा व ढोल है इनके, और रंगमंच सजावट नहीं होती है, और ये सारे स्टेटमेंट इनके बारे में। जयपुरी ख्याल पर 118वां प्रश्न है, इसमें पूछा गया कौन सा स्टेटमेंट सत्य नहीं है, तो पहला और दूसरा स्टेटमेंट सत्य नहीं है। 119वां प्रश्न, एक तरफ लोक नाट्य तो उसी तरफ इसके कलाकार हैं, उनको हमें मैच करना है, तो स्वांग जो है बंसीधर भट्ट, तमाशा नानूलाल राणा, फिर शेखावटी में लच्छीराम आ जाएगा, और कुचामनी में जो है आपके जानकीलाल भांड। एक और है तमाशा के संदर्भ में प्रश्न पूछा गया है, तो तमाशा के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो सत्य है, तो इसमें चौथा स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है, तमाशा स्त्री पार्थिव भूमिका भी पुरुष पात्र नहीं, स्त्री की स्त्री निभाते हैं, तो ये सही है। इसके बाद में करंट अफेयर्स के हैं वो आपको इसमें मिल जाएंगे, तो ये आपका एक्सप्लेनेशन है, कोशिश की इसको शॉर्ट में निपटाने की, बाकी आपको इसमें रिटर्न पीडीएफ भी मिल जाएगा। शुक्रिया।